मध्य प्रदेश के एक फोटो जर्नलिस्ट ने सरकार के झूठ की पोल खोल दी है। मध्य प्रदेश के फोटो जर्नलिस्ट संजीव गुप्ता का कहना है कि जब 15 अप्रैल को वो शमशान घाट पहुंचे, जहां ये दावा किया गया था कि ज्यादा से ज्यादा 4 लोगों की डेथ हुई है और 4 शव ही शमशान घाट में पहुंचे हैं, जब वो कवरेज करने पहुंचे तो उन्हें पता लगा कि वहां 45 चिताएं जल रही हैं, जिसकी उन्होंने ड्रोन से तस्वीर ली और गिनकर बताया है कि ये 4 नहीं 45 लाशें हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसी त्रासदी उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं दिखी। उन्होंने ये भी कहा कि भोपाल त्रासदी में भी उन्होंने इतनी लाशें एक साथ कभी नहीं देखी थी। जब एक फोटो जर्नलिस्ट इतनी बड़ी बात कहता है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं स्थिति बहुत ज्यादा भयावहक है। उनका ये कहना है कि जब वो वहां पहुंचे तो लगातार लाशों के आने का सिलसिला बढ़ता चला गया। वहीं एक इमोशनल बात कहते हुए संजीव गुप्ता ने ये कहा कि जब संजीव गुप्ता शमशान घाट से बाहर आ रहे थे और एक चिमनी से धुआं निकल रहा था, तो एक भाई बहन वहां बैठे बात कर रहे थे और एक लड़की ने उनसे कहा, जो एक लड़के के साथ बैठी थी अपने भाई के साथ, कि अंकल इसकी तस्वीर ले लीजिए, मेरी माँ भगवान से मिलने जा रही है। क्या सच है क्या झूठ है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि गलती किसकी है और कौन कसूरवार है। हाल फिलहाल प्रार्थना ईश्वर से ही है कि ये सब बहुत जल्द रुक जाना चाहिए। जिस दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।